Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Raju Sharma and I am the founder of ASPD, American Skills and Personality Development. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है और ये हो सकता है कि कुछ सेक्शन के लोगों को ये पसंद ना आए और वो मेरी आलोचना करें, पर मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया था कि इस साल होटल मैनेजमेंट की जो कोर्स है उस पर एडमिशन काफ़ी कम हुई है और मैंने जो है इस पर एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था और वो पोस्ट वायरल हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे फेवर में कमेंट किया था और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे अगेंस्ट कमेंट किया था। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट की बात हो तो ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हो। तो देखिए, इसके पहले कि और डिले हो, एडमिशन्स और कम जाएँ, जो होटल इंडस्ट्री है उनको जो है थोड़ा सुधरना होगा। अभी जो होटल इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिशन्स कमा है, बाय द वे वो वन ऑफ द जो रीजंस है वो ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आप जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पे क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि जो होटल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, वहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर एक ग्रेजुएट फ्रेशर जो है अगर वो ज्वाइन करता है तो 12 से 15,000 रुपये उसे पर मंथ दिया जा रहा। वीक में 6 डेज आपको काम करना है और पर डे 12 से 14 घंटे मिनिमम। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर 12 से 14 घंटे अगर आपको काम करना पड़ रहा, ट्रैवलिंग आप हटा दें, तो फिर आपकी लाइफ बचती क्या है। इसका मतलब ये है कि आप फुल टाइम से ज़्यादा, मतलब आप जो 30 दिन वहाँ पे आप आपके पास अगर 30 डेज है तो उसमें आप मैक्स टू मैक्स टाइम जो है वो आप अपने ही होटल्स को दे रहे हैं और इन रिटर्न जो है आपको क्या मिल रहा? ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा खास। अगर कोई भी बच्चा अगर होटल मैनेजमेंट किया है, इसका मतलब ये है कि उसने 6 लाख 7 लाख रुपए कोर्स फ़ी पे किया है। हम सिर्फ कोर्स फ़ी कैलकुलेट करते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इतना एक्सपेंसेस करने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो उसे 12-15 हज़ार दिया जा रहा। उसकी जो एजुकेशन लोन है, उसकी जो ईएमआई है, वही काफ़ी चली जाती है, उसके पास हर महीने कुछ बचता ही नहीं है। और ये जो कंडीशन है ये ऐसा नहीं है कि आने वाले एक साल में कुछ सुधर जाएंगे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप काम कर रहे हैं फिर भी हालत वही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। ग्रोथ का मतलब मैं डायरेक्ट दो चीज़ों से मुझे समझ आता है, वो ये है कि एक तो आपकी जो पोजीशन है उसमें ग्रोथ हो और दूसरा आपकी सैलरी में ग्रोथ हो, पर वो जो है वो काफ़ी स्लो है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होटल्स के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो होटल के ओनर्स हैं, उनको इमीडिएटली जो है इस पर डिसीजन लेना होगा, वरना जो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ जो आपको चाहिए, जो आपके कस्टमर्स के लिए, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। जो ये माना जाता है हॉस्पिटैलिटी में कि अतिथि देवो भव, बिल्कुल सही है, पर आपको थोड़ा केयर जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ भी रखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वही आपके कस्टमर्स को संभाल रहे हैं। जितना खुश आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ही खुश जो है आपके कस्टमर्स होंगे। देखिए, जो सर्व कर रहे हैं या जो खाना बना रहे हैं, जो हाउसकीपिंग में हैं, ये कस्टमर्स के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कस्टमर्स बात कर रहा, ओनर्स के साथ नहीं बात कर रहा। तो इसका मतलब यही है कि वो जितना खुश रहेंगे, जितने सेटिस्फाइड रहेंगे, उतने आपके कस्टमर्स खुश रहेंगे और आप कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, वो बार बार आपके होटल्स में जो है वो आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होटल्स के जो जनरल मैनेजर्स हो या जो भी डिसीजन मेकर्स हो, आप लोग इमीडिएटली आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि आज आपका जो डिमांड सप्लाई जो है वो आपको जो है आपकी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आज अगर आप डिसीजन नहीं लिए तो ये जो है फ्यूचर में आपको जो है इसके ऊपर पछताना ज़रूर पड़ेगा। ऑन एन एवरेज ये सी बात एम्प्लॉयज़ की नहीं है, इंटर्न्स की भी अगर बात करें तो वो अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो उनको एक मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता है,
तो वो अगर इंडिया में कहीं से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हार्डली उनको 1,000 रुपये 2,000 रुपये दिया जा रहा। कोई होटल अगर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाए तो शायद 4,000 रुपये पे कर रहा, पर आप सोचिए कि 12 से 14 घंटे पर डे वो भी काम कर रहा 6 days a week, तो फिर ये अमाउंट उसको दिया जा रहा है क्यों? इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसका मतलब आपको एक फ्री लेबर चाहिए जो आपके लिए 6 महीने आके या 4 महीने आके काम करे, आपका काम तो वहीं से बन जा रहा, तो फिर आपको जो है और ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, बहुत कोई ऐसा है जो आवाज़ उठाना स्टार्ट किए हैं और मेरे ख्याल से इस पर सुधार बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा वीडियो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक या गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस पर ध्यान दें इसके पहले कि ज़्यादा डिले हो जाए और कस्टमर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको अच्छा ना मिले। तो मेरे ख्याल से आप जो है इस पर इमिजिएटली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इनफैक्ट ये वीडियो पसंद और नापसंद के लिए नहीं है, ये फैक्ट्स के लिए है। और जो लोग भी अभी होटल्स में काम कर रहे हैं आप सबको पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और मुझे उम्मीद है कि आप जिस होटल में काम कर रहे हैं उन वो जो मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर है, उनके तक भी ये वीडियो पहुँचाए आप, क्योंकि उनका ये देखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पर डे मैं बहुत सारे होटेलियर्स से मिलता हूँ और जो उनसे जो भी मैंने सुना है इतने दिनों में वही मैं आपसे बता रहा हूँ। ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है। और देखिए, एक होता है आपके पास कोई आया काम करने, आपके एम्प्लॉय हैं, और एक होता है स्लेवरी। पहले के ज़माने में लोग राजा महाराजाओं के लिए किया करते थे, 12 से 14 घंटे 15 घंटे काम करते थे और उनको सिर्फ उतना ही आराम दिया जाता था जितना में उनकी थोड़ी देर आँखें बंद हो और फिर उनको जगा के काम स्टार्ट। तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री लगभग वैसा ही है अभी, तो इस पे जो है सुधार चाहिए। 21st century है और जो कहा जाता है ना कि आपके लिए जो होटल के लिए आपके पास पैसन होनी चाहिए, और देखिए सब ठीक है पर सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है वो है पैसा। तो आप जो है अगर अच्छा सैलरी देंगे तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो ऐसे ही मोटिवेटेड रहेंगे। और वो पहले के ज़माने में त्रेता युग द्वापर युग में हुआ करता था कि लोग जाते थे शिक्षा लेने गुरु के पास, गुरुकुल में, और जो है लास्ट में जो है एंड में गुरु लोग जो सिर्फ दक्षिणा की आशा करते थे। यहाँ पे क्या है, आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, आपको पहले ही पे करना है सब। तो जब आपने पे किया है, आपने लोन उठाया है, तो आपको तो वो पे बैक करना होगा ना। तो यहाँ पे जो काम होगा वो पैसे से, बिल्कुल पैसा बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक होटल अगर ये डिसीजन ले ले और इस पर बदलाव कर ले तो जो बाकी होटल्स हैं वो फॉलो करेंगे। ऐसा हमेशा से ही होता आया है कि जस्ट शुरुआत एक को करना होता है और उसके बाद बाकी लोग फॉलो करते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इंटरव्यू टफ़ करना है, आप बिल्कुल इंटरव्यू टफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी आपके पास आए आप उसको ही जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत टफ़ कर दीजिए। आप जो है आपको जो सबसे बेस्ट लगता है आप उनको चूज़ कीजिए, पर जब आप उनको ले रहे हैं ना तो उनको सैलरी ऐसा दीजिए कि वो कहीं और जाने का कहीं सोचे भी ना। देखिए, हमारा जो बिज़नेस है वो है इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का। हम इंटर्नशिप के लिए भी भेजते हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए भी भेजते हैं, पर ये बात थोड़ा अखरता है हमें कि जो भी बाहर जाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा एंड में आना चाहिए। पहला जो होना चाहिए, अगर कोई भी इंटरनेशनल कहीं पे भी जाता है तो उनको जो है पहले जाना चाहिए कि वो जगहों को एक्सप्लोर करना चाहें, नया नया कुजीन सीखना चाहें, नया कल्चर सीखना चाहें, इसकी वजह से जाएं, ना कि पैसों की वजह से। अगर होटल इंडस्ट्री इंडिया में ठीक हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी बिज़नेस को होने वाला है, पर मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर लोग तब भी जाएंगे पर तब रीज़न और पर्पस अलग रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें, हम और भी वीडियोस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।